पढ़ाई भी हो रही है। शाहजहांपुर के तिलहर शहरी क्षेत्र में जिला बेसिक विभाग के 16 स्कूल खुले मैदान में चल रहे हैं। यह भारत समाचार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। स्कूलों की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है। जाड़ा, गर्मी, बारिश के महीने में इन स्कूलों के बच्चे खुले आसमान के नीचे ही अपनी पढ़ाई करते हैं। और जो बिल्डिंग है वो टूटी है, जरा उसको भी देख लीजिए, वो बिल्डिंग कहेंगे क्या, कहेंगे क्या? ब्लैक बोर्ड देखिए कहां पर है, इसे बिल्डिंग ना कहें तो बेहतर है। स्कूलों में शौचालय नहीं है और मिड डे मील बनाने के लिए कोई जगह नहीं है। अनुपमा जायसवाल को ये चीजें भी ध्यान में देनी चाहिए। हालांकि पिछली बार उन्होंने स्वेटर और दस्ताने फरवरी में दिए थे, तो क्या उम्मीद की जाए इनसे। बहरहाल ये तस्वीरें देखें और बदहाल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश तो कर सकती हैं। स्वागत करने के बजाय, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत करने के बजाय ध्यान इस ओर भी देना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें यही दी है कि आप इस ओर बेहतरीन काम कीजिए, लेकिन वो तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में जुटी हुई है। बहरहाल ये तस्वीरें हैं, खुले मैदान में 16 प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं। बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर भारत समाचार आपको दिखा रहा है। ऐसे 16 स्कूल हैं जिसे चिन्हित किया गया, देखा गया। काश इस ओर ध्यान गया होता माननीय मंत्री जी का, लेकिन नहीं गया। स्कूल में कोई बिल्डिंग नहीं है, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं, बारिश हो रही है, जाड़े के वक्त यानी सर्दियों के वक्त भी उन्हें ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ती है। अब गर्मी में टेम्परेचर भले 42 के पार चला जाए और बारिश भले ही हो, लेकिन उन्हें पढ़ना तो है। ये प्राइमरी पाठशाला है, वो भी नवीन प्राइमरी पाठशाला है। यहाँ पर बहुत तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि विद्यालय भवन विहीन है और यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, घर जाना पड़ता है, यहाँ बोतलें ले आते हैं खाली हो जाती हैं तो घर वापस भरने जाना पड़ता है, और टॉयलेट के लिए भी घर जाना पड़ता है, बारिश हो जाए तो फिर इनकी छुट्टी करनी पड़ती है। समस्या ये है कि एक बरसों से कंटर पड़ा हुआ है, अपने जीवन में देखते आ रहे हैं ये कंट्री है, यहाँ बच्चे को बैठने की कोई सुविधा नहीं है, लाइटिन बाथरूम, जब लाइटिन लगती बच्चे घर चले जाते हैं, पानी बरसता है बच्चे घर चले जाते हैं, जब चाहे छुट्टी हो जाती है। देखिए, जो नगर क्षेत्र में प्रारंभ में विद्यालय किराए के भवनों पर चलते थे, तो हमारे यहाँ दो नगर क्षेत्र है, शाहजहाँपुर और तिलहर। तिलहर नगर क्षेत्र में बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिनमें किराए के भवन जर्जर हो गए या भवन विहीन, किराए के भवन भी मैदान हो गए हैं। उन जगहों पर जो विद्यालय चल रहे हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे पर हमारा कोई सरकारी विद्यालय नहीं है, और जो शहर शाहजहाँपुर के विद्यालय हैं उनको हमने 1 किलोमीटर के दायरे में जो हमारे भवन है वहाँ पर उनको मर्ज कर दिया है। तो जहाँ पर ये संभावनाएं हैं वो हम लोग जो है मर्ज कर देंगे, लेकिन शेष जो है जगह उपलब्ध होती है तो हम लोग इसकी अतिरिक्त कमरे की मांग करके उसमें भरवा देंगे। अमित, ये इस तरह के स्कूल शाहजहांपुर में कितने दिनों से चल रहे हैं और कितने बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ कितने अध्यापक हैं? देखिए राहुल, आपको बता दें यहाँ पर करीब 16 स्कूल हैं शाहजहांपुर जिले में, जो बच्चे तालीम लेने के लिए खुले में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हालांकि जो शिक्षा विभाग है उनके पास कोई पर्याप्त साधन नहीं है जो यहाँ पर लेंटर डलवाया जाए, तो कुल मिला के जो मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं वो लगातार दावे तो जरूर करते हैं मंच से और तमाम घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो हकीकत है शाहजहांपुर में वो 16 स्कूल जो है वो खुले में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, चाहे वो धूप हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो गर्मी हो, कैसा भी मौसम है, लेकिन बच्चे तालीम लेने के लिए मजबूर हैं। और कई सालों से बच्चे इसी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। देखिए राहुल, को बता दें तमाम सालें हो गई हैं, लेकिन जो स्कूल हैं वो जर्जर पड़े हुए हैं। हालांकि जो अधिकारी वो जाते हैं, जो जो किताबी जो रजिस्टर हैं उन पे तो साइन करके चले आते हैं कि कल सही करवा दिया रहेगा, आगे वाले दिन सही करवा दे, लेकिन जो हकीकत है वो आज भारत समाचार दिखा रहा है इनको, तो शायद अभी जागें। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में।